अब की हमारा ये जो डेट 19 जून जो बीता है उसमें हमने निक्सी के 20 साल के इस्टैब्लिशमेंट को सेलिब्रेट किया निक्सी जो कि क्या है सिंपली नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ओके 19 जून 2003 को इसको बनाया गया सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट के थ्रू जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर काम करने वाला एक डिपार्टमेंट है जो कि सिंपली हमारा जितना भी इंटरनेट डेटा है यानी कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं जितने भी कंसर्न्स हैं डेटा स्टोरेज है डेटा ट्रांसफर है डेटा कनेक्टिविटी है डेटा हैंडलिंग है यानी कि डेटा से रिलेटेड एवरीथिंग इंडिया के अंदर जो है उसे कौन हैंडल करता है तो इसे हैंडल करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है निक्सी दैट इज नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया सो आइए इसके आगे के डिटेल्स और फीचर्स के बारे में जो है हम डिस्कस करते हैं ओके okay, सो so क्या जैसे कि मैंने बोला सेक्शन एट ऑफ द कंपनीज के थ्रू इसे बनाया गया

So this is your mobile phone. Okay. So now this mobile phone is carrying the data in it. And here I have got a network tower. Okay. So this tower, okay, the data is forward to the tower, and from this tower to the concerned XYZ website that you are serving or that you are willing to serve. Okay. So from here. Okay, this data will be transferred to here, and from this data through this network and to this network to your mobile phone. Okay, that is what simply the concerns of Nixie they are. That is through the internet exchange. The internet data is exchanged within the internet service providers. That is Airtel, Vodafone Idea, Geo, whatever, and between the ISPs and the content delivery networks, that is the website you are. सर्विंग, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पर क्या चलता है इन रजिस्ट्री आई एन रजिस्ट्री वॉट इज दिस आई एन रजिस्ट्री थ्रू द रजिस्ट्री इट मैनेजेस एंड ऑपरेट द इन कंट्री कोड डोमेन दट इज आई एन कंट्री कोड डोमेन एंड भारत इंटरनेशनलाइज डोमेन नेम दी एन कि हमारा जो भी इंटरनेट डोमेन है उसको कौन हैंडल करता है उसकी रजिस्ट्री कौन देखता है निक्सी थ्रू अ पोर्टल नोन एज आई डी एन दैट इज इंटरनेशनलाइज डोमेन नेम ऑफ इंडिया भारत ध्यान रखिएगा इंडिया का जो इंटरनेट नेम है एक नया फैक्ट आपके सामने रख रहे हैं इंडिया का इंटरनेट नेम है जो आईडीएन यानी कि इंटरनेशनलाइज डोमेन नेम होगा वो क्या होगा दैट विल बी भारत ओके okay? Bharat only it is the internet domain name that is internalized internationalized domain name of India. It is Bharat, it is not India, it is Bharat. Okay. Further, it India registry for internet names and number that is Irin. Kya hai? इंडियन रजिस्ट्री फॉर इंटरनेट नेम्स एंड नंबर्स ओके ये क्या करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल जो भी हमारा आई पी है जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे आईपीवी फोर आई पी वी सिक्स ये सब कौन मैनेज करता है यह सब मैनेज करते हैं इरिन बोले तो इंडियन रजिस्ट्री फॉर इंटरनेट नेम्स एंड नंबर्स सो वॉट वी कैन सी हिब्जेक्टिव ऑफ निक्सी वेल वी अंडरस्टैंड नाउ प्रोमोटिंग द इंटरनेट

निक्सी अकेडमी एक अलग से बनी है विच एक्चुअली हेल्प सिटीजन इन लर्निंग अबाउट द इंटरनेट एंड नॉन टेक्निकल पीपल दे कैन हैव मच ऑफ द सपोर्ट थ्रू दी निक्सी अकेडमी इन लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग अबाउट आईपीवी सिक्स दैट इज आई पी गुरु के थ्रू की क्या होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन सिक्स ओके इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन फोर आईपीवी फोर उसको हमने 1994 में आगे बढ़ाया और हम उसको एक बहुत बड़ा क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम है जैसे सिंपली फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास कल तक एक मेमोरी कार्ड हुआ करता था 128 ट्वेंटी जीबी का आपने अब उसको एक्सचेंज करा के नया मेमोरी कार्ड ले लिया 256 फिफ्टी जीबी का तो आपको क्या मिला एक्सेस ऑफ दी 128 ट्वेंटी जीबी डेटा

के okay. वही होंगे निक्सी के चेयरपर्सन ओके okay. अब आईपीवी4 से आईपीवी6 में हम क्यों आए ऑबवियसली हम इसीलिए आए बिकॉज़ हमें एक्सेस डेटा चाहिए था एक्सेस डेटा स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए थी सो दैट इज व्हाई वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम आईपीवी4 टू आईपीवी6 एंड द आईपीवी4 वाज द फर्स्ट मेजर वर्जन ऑफ द आईपी दैट इज इंटरनेट व्हिच वाज डिप्लॉयड फॉर द प्रोडक्शन इन द आरपानेट इन 1983 आर्पानेट मतलब कुछ नहीं इंटरनेट के फादर द फादर ऑफ इंटरनेट और द फर्स्ट वर्जन ऑफ इंटरनेट इट वॉज कंसिडर्ड एज एडवांस्ड रिसर्च प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नेटवर्क ओके दैट इज वॉट आर्पा नेट वॉट इज दिस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट नेटवर्क इन 1983 आप इसको कह सकते हो द फादर और दपा ऑफ इंटरनेट किसने निकाला था यूनाइटेड स्टेट्स के जो डिफेंस यानी कि उसकी जो आर्मी है उन्होंने निकाला था स्पेसिफिकली अगर हम बात करें क्यों क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम जो है बहुत अब डिफिकल्ट हो चुका था उससे काफी डेटा इनका जो है लीक हो जा रहा था वॉइस जो है इनका काफी कैप्चर हो जा रहा था तो इन्होंने निकाला क्या आर्पानेट जो डिफेंस टू डिफेंस कंपनीज जो है वो आपस में आर्पा के थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर किया करेंगे और विद इन टेन ईयर्स दिस आर्पा नेट वॉज देन कन्वर्टेड टू द इंटरनेट जिसका इस्तेमाल अब पूरी दुनिया कर सकती थी okay guys so this is all with regard to the nixie arpanet and the features of it so i hope you have loved the session enjoyed it as well thank you for joining me in here see you also in the very next one till then bye bye take care study well and jai